अगर आप टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादन खरीदना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यह आइटम महंगे होने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई प्रमुख कंपनियां अब अपने उत्पादनों के दामों बढ़ाने जा रही है। कीमतों में यह वृद्धि 3 से 10% के बीच होगी। इस वजह से बढ़ेंगे दाम। डॉलर के मुकाबले रुपए में रही गिरावट और कस्टम ड्यूटी में इजाफा होने के बाद कंपनियां दाम बढ़ाने को मजबूर हो रही है। कंपनियों ने कहा है कि हम दाम पहले ही बढ़ा देना चाह रहे थे, लेकिन फेस्टिव सीजन के चलते ऐसा नहीं किया गया। कई कंपनियों ने रिटेलर्स को दिए जाने वाले 10% डिस्काउंट को भी खत्म कर दिया। इन कंपनियों ने बढ़ाए दाम। जिन कंपनियों ने दाम बढ़ाए का ऐलान किया है उनमें LG, सोनी, सैमसंग, बॉश, सीमेंस, हायर, BPL आदि प्रमुख है। सितंबर में कंपनियों ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन उसे तब लागू नहीं किया था। हायर इंडिया ने अपने उत्पादनों की कीमत 5 से 8% की बढ़ोतरी कर दी है। वही शाओमी ने अपने टीवी उत्पादनों की कीमत 2000 रुपये तक वृद्धि कर दी है।